नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के द्वारा आज एक और बड़ी ऑफिशियली अपडेट हमारे सभी पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के लिए शेयर की गई है। तो सभी पेंशन धारक एक बार जल्दी से जुड़ जाएं, और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा आते हैं हम अपडेट पर। आप सभी जानते हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह जी हमेशा से ही हमारे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के लिए जो है आगे आवाज़ उठाते हैं, और आज भी बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर शेयर की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी जानते हैं जो स्पेशली लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स हैं या फिर जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, उन सभी के लिए ही केवल जो है वन टाइम इंस्टॉलमेंट कहा गया था। हालांकि जो हमारे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट हैं, उन्होंने कहा था कि जिनका करीबन 1 लाख के आसपास राउंड फिगर में बनता है, उनको आप वन टाइम इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, बाकी का आप 4 जो 6 मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें रखिए। लेकिन सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो अब इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने एक बहुत बड़ा कदम यहां पर उठाया है। उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो आपके पेंशन डिवीजन का एरियर है उसे इमीडिएटली देना चाहिए वन टाइम इंस्टॉलमेंट में, जो 4 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं उसकी जगह पर। और जल्दी ही अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स को के लिए जो 2013 में और उसके बाद भी रिवीजन को लेकर जो भी यहाँ पर एजेंडा सेट किया गया था, या जिस आधार पर रिवीजन और एरियर भुगतान, और आप सभी जानते हैं 16 मार्च 2022 को भी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो है एरियर भुगतान के आदेश दिए थे। तो अब ये 4 इंस्टॉलमेंट्स क्यों, इस पर सवाल उठाया है। और जो हमारे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स वीडियो देख रहे हैं, वो ORP2 लाभार्थी हैं, और उनकी क्या राय है एरियर पेमेंट्स को लेकर, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, जिससे कि सभी को जो अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी पेंशन धारकों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, क्योंकि वन टाइम इंस्टॉलमेंट में हमारे पेंशन धारक मांग कर रहे हैं पेंशन रिवीजन पेमेंट की। लेकिन सरकार हर बार अपना जो है फैसला बदलती रहती है, और जब भी भुगतान का समय आता है तो तुरंत से नए रूल्स निकल जाते हैं। अब यहाँ पर रूल्स निकले हैं 4 6 मंथ जो इंस्टॉलमेंट्स को लेकर। इसमें हमारे पेंशनर्स का मुद्दा है कि जो हमारे ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, जो जिनकी एज हो चुकी है ज़्यादा, तो उनको कम से कम आप अबव 80s को दे दीजिए वन टाइम इंस्टॉलमेंट में। लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल मनमानी कर रही है, ना तो राउंड फिगर में जिनका 1 लाख है उनके लिए उन्होंने हामी भरी, ना ही जो 80 अबव जो पेंशन धारक हैं, वार विडोज हैं, इनके लिए रिक्वेस्ट की गई, तो उस पर भी सरकार का कोई जवाब नहीं आया। तो अब फाइनली सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा एप्लीकेशन डाली गई है कि अब आपको 4 6 मंथ्स इंस्टॉलमेंट्स यानी 2 साल तक रिवीजन को नहीं खींचना है, हमें तुरंत से हमारा रिवीजन का एरियर पैसा चाहिए। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की में कब सुनवाई होती है और क्या इसका डिसीजन रहता है। जैसे ही इस पूरे मामले पर कोई भी ऑफिशियली अपडेट निकल कर आएगी, हम आप सभी पेंशन धारकों के साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स को जय हिंद, जय भारत।